हे गाइस, आई एम लीविंग फ्रॉम मुंबई टुडे. हो गया हमारा गोवा का ट्रिप खत्म. सो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में रूम टूर दूंगी. सो दिस इज़ इट. तो दिस एंटायर थिंग इज़ द होटल आई बुक्ड. यहाँ पे ना, मतलब ये होटल ना आपको दिखेगा नहीं बाहर से, ये बहुत अंदर अंदर इसका लोकेशन है और हमें ये पहले पता नहीं था. तो इफ़ यू वॉन्ट सम रोड टच लोकेशन या ऐसा कोई लोकेशन जो दिखे दूर से, ज़्यादा अंदर अंदर जाना ना पड़े, सो दिस होटल इज़ नॉट मेंट फॉर दैट. ये बहुत अंदर है. तो आई जस्ट गिव यू अ टूर कि कैसा है ये. सो लेट्स गो. सो दीज आर द रूम्स. ये नीचे के रूम्स हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर के रूम्स हैं. एंड दिस इज द पूल एंड दैट इज द कैफेटेरिया काइंड ऑफ स्पेस जहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होता है. इट इज़ अ बुफे ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है इस होटल का. अनफॉर्चुनेटली हम एक भी दिन पूल में नहीं गए. हमारा स्केड्यूल इतना टाइट था यहाँ आके भी कि हमें पूल में जाना ही नहीं मिला. रिसेप्शन एरिया एंड देर आर सम मोर रूम्स आगे. तो आई जस्ट टेक यू टू माई रूम नाउ. दिस इज माई रूम. ये बेड है, ये दो छोटे छोटे लैम्प्स है. रात को बहुत अच्छा लगता है ये. मीन्स यू हैव टू टर्न ऑफ एवरी लाइट एंड जस्ट टर्न ऑन दीज लैम्प्स एंड देन द रूम लुक्स वेरी गुड. एंड सो द फैसिलिटीज आर, इन्होंने फ्रिज प्रोवाइड किया है एंड केटल, सम कप्स, ग्लास, टीवी एंड एसी बोथ इन अ गुड वर्किंग कंडीशन. और ये बालकनी है. ऑनेस्टली व्यू इतना अच्छा नहीं है बट दिस इज अ स्मॉल क्यूट टू सीटर डाइनिंग टेबल विच वी डिडंट यूज बाय द वे. हमने सोचा कि कभी इस पे बैठ के ब्रेकफास्ट करें बट द थिंग इज इनका एक कैफेटेरिया है अलग से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, तो हमने मोस्टली वही कर दिया था. यस, इट इज ज्यादा स्पेशियस नहीं है रूम बट अच्छा है. मीन्स वुडन हाउस है. मुझे कब से वुडन हाउसेस में रहना था. नेक्स्ट टाइम भी वुडन हाउसेस ही प्रेफर करूंगी बट अ बेटर लोकेशन. अदरवाइज यस, इट इज गुड. आई विल जस्ट शो यू द लैम्प थिंग. अच्छा लगता है. इवन द बेड इज नाइस. इट्स वेरी कोजी एंड कम्फी. सो यस, बहुत आई एम हैप्पी विथ माई रूम एक्सेप्ट द लोकेशन एंड द व्यू. एवरीथिंग इज गुड. इनका सर्विस बहुत अच्छा है. कुछ भी लगता है तो वी जस्ट कॉल ऑन द रिसेप्शन का नंबर एंड दे हेल्प अस इमीडिएटली. सो यस, आई विल जस्ट शो यू द बाथरूम नाउ. सो आपने जैसे एंटर किया वैसे द फर्स्ट डोर इज बाथरूम का डोर. सो दिस इज द बाथरूम. I really like this sliding door wala concept. It is nice and there is this hand shower. Pani ka flow bahut acha hai. Geyser bhi hai and yes, everything is goody goody. Main cheez hota hai hotel mein bathroom. Clean hona chahiye, acha hona chahiye and yes, those requirements are fulfilled. So that's it for the room tour.
Hey guys, I'm finally back home. हमारी ट्रेन स्टेशन पे 10:30 के करीब पहुंची एंड इट्स 11 o'clock. सो आई एम फाइनली बैक होम. इट फील्स ग्रेट टू बी बैक होम, बट आई एम काइंड ऑफ स्टिल मिसिंग गोवा अलॉट. ट्रेन जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी. तेजस एक्सप्रेस इज रियली नाइस, बट एनी वे आई ऑल्सो वॉज विथ माई फ्रेंड्स, दैट्स वाई मे बी आई एंजॉय द जर्नी. बट जो टीवीज वगैरह कुछ भी वर्क नहीं कर रहे थे, तो फैसिलिटीज एमिनिटीज थोड़े कम है अभी. सो एनी वे मुझे आपको ये दिखाना है कि मैंने क्या क्या बाय किया गोवा से. व्हेन आई वेंट टू दैट काजू शॉप, आई डिड नॉट जस्ट बाय काजूज बट मैंने और भी चीज़ें खरीदी. सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो दैट. सो लेट्स सी, आई गॉट दिस काजूज. ये मैंने हाफ हाफ केजी के दो पैकेट्स लिए और एक 250 ग्राम दैट इज पाव किलो का एक पैकेट लिया. सो दीज आर सॉल्टेड काजूज. गोवा इज वेरी फेमस फॉर काजूज. तो दिस इज वॉट आई गॉट. एंड देन ये है स्टोन चॉकलेट्स, दगड़ चॉकलेट्स. ये MRP 185 है बट उन्होंने हमें 170 में दिया. सो दीज आर बेसिकली चॉकलेट्स. इसका आउटर क्रस्ट थोड़ा हार्ड होता है एंड अंदर इट इज़ नॉर्मल लाइक चॉकलेट. बहुत टेस्टी लगता है, मैंने वहाँ पे एक टेस्ट किया इसीलिए मैंने ये बाय किया. एंड दिस इज बेबिनका. नाउ बेबिनका इज़ अ यू नो ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ गोवा. ये मैंने सुना था बिफोर गोइंग टू गोवा. आई रिसर्च अ बिट एंड मैंने मुझे पता था कि बेबिनका एक है जो यू नो इट्स अ डेलिकेसी ऑफ गोवा. तो यहाँ पे इट इज़ फॉर 200 रुपीज़. ये हमें 200 रुपीज़ में ही मिला एंड इट इज़ नॉट एगलेस. सो फॉर ऑल दोज हु आर वेजिटेरियंस, देर इज़ अनदर ऑप्शन फॉर बेबिनका. दैट इज़ समथिंग लाइक डोलोना या ऐसा कुछ उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है. बट जो ये नहीं खा सकते बेबिनका बिकॉज इट इज़ नॉन वेज, तो वेजिटेरियंस बाय दैट. एंड नेक्स्ट मैंने बाय की है अंबावड़ी. मुझे इसका एग्जैक्ट कॉस्ट याद नहीं बट आई गेस इट वॉज अराउंड 100-150, आई डोंट रिमेंबर. क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने अंबावड़ी बाय की थी एंड माई पेरेंट्स रियली लाइक्ड इट, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस बार भी तू लेकर आ. तो या एंड ये है रम पंच कॉकटेल चॉकलेट्स. वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के चॉकलेट्स हैं, जैसे वाइन चॉकलेट्स एंड कॉकटेल चॉकलेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट. बट मैंने उनको जब पूछा कि एग्जैक्टली आप कौन सा प्रेफर करोगे, तो उन्होंने रम पंच और एक वाइन का बोला था, तो मैंने रम पंच वाले चॉकलेट्स लिए. लेट्स सी, इसका कॉस्ट है 180 रुपीज़. अरे हमें 180 में ही पड़ा, कोई डिस्काउंट नहीं था इस पर. एंड दिस इज़ गोवा GOVAA का रियल रोस्टेड आलमंड डार्क कोकोनट चॉकलेट. तो लास्ट टाइम में मैंने ये चॉकलेट लिया था बट इट वॉज प्लेन. एक्चुअली आई एम नॉट अ ड्राई फ्रूट पर्सन. ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब पेरेंट्स के लिए लाए मैंने. आई एम नॉट अ ड्राई फ्रूट पर्सन, इसलिए मुझे प्लेन डार्क चॉकलेट अगर था तो मुझे वो चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं था और किसी भी शॉप में अवेलेबल नहीं था. तो आई फाइनली गॉट दिस बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर मुझे बहुत यमी लगा था डार्क चॉकलेट ऑफ दिस ब्रांड. दिस बार इज़ फॉर 100 रुपीज़. एंड लास्टली सम मोर चॉकलेट्स. सो आई गॉट, ये पैकेट थोड़ा खुल गया पता नहीं कैसे ट्रेन में. दीज आर गोवा स्पेशल होम मेड प्रीमियम चॉकलेट्स. कैश्यूनट वाले चॉकलेट्स है बट इसका सिर्फ कैश्यूनट फ्लेवर है, ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े नहीं है इसमें, इसीलिए मैंने बाय किया. लाइक आई सेड आई एम नॉट अ ड्राई फ्रूट पर्सन. सो यस, ये है मेरी शॉपिंग गोवा की. एंड जब मेरे पेरेंट्स ने देखा दे आर क्वाइट हैप्पी विथ माई शॉपिंग. सो हियर माई गोवा सीरीज के ब्लॉग्स फाइनली एंड बिकॉज आई एम फाइनली बैक होम. बट आई विल बी ट्रैवलिंग मोर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर ब्लॉग्स. मोर ट्रैवल ब्लॉग्स, मोर मेकअप वीडियोज विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच द अदर वीडियोज एज वेल. सी या.